तो अभी मम्मी के लिए देख रहे थे हम लोग साड़ी, और ये साड़ी पसंद आई है, एक बहुत अच्छी है यार। तो हमने दिशान के लिए पहले वो सिलेक्ट करा था ना, उससे ज्यादा ये कलर खिल रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ, और सबको शुभ प्रभात। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, एंड थोड़ी थोड़ी गर्मी जरूर है, लेकिन वही पूल के नजारे सुबह सुबह लिए जा रहे हैं। ये देखो, सुबह 7 बजे उठ गए पूल में नहाने के लिए ये लोग। बाकी अभी हम भी डुबकी डबकी लगाते हैं, इसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे जयपुर, देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे हवा महल। गैस, जतिन को गरम गरम लग रहा है, शायद कहीं से गरम चीज आ रही है। अरे तू क्या कर रहे हो? तो मैं तो अभी तुम्हारे पे विश्वास नहीं कर सकती, लड़कों पे कोई नहीं कर सकता। नीचे ले जाओ मामलों में। नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं, तुम जाओ। प्यार करते होगे नहीं करते हो? 15 प्रो मैक्स लेके दोगे कि नहीं? जस्ट ना क्रेडिट कार्ड दे रहे हो अपना कि नहीं? कभी डांटोगे किसी लड़की के साथ बात करने के लिए? कर सकता हूँ ना सभी के साथ बात। सो गाइस, जस्ट तैयार हुए हैं और निकलते हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हवा महल, जौहरी बाजार, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट और भी बहुत कुछ देखते हैं। और इतना तो पहले घूम ले, क्योंकि दोपहर के जो है 1:15 हो गए हैं ऑलरेडी, बहुत ज्यादा लेट है। मैंने सिंपल ही टी शर्ट पहनी हुई, गर्मी बहुत ज्यादा है, एंड ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शूज। और मोहतरमा ने चक्कर आ गया मेरे को किसी ने व्हाइट कलर का सूट पहना है। तो चलते हैं गाइस। अभी मेरी थोड़ी सी ना डबल चिन कम हो रही है, शुक्र है, नहीं तो गाइस इतना मोटापा आ गया था ना फेस पे। ये है हवा महल की एंट्री, और आज उनको पता लग गया कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने टिकट फ्री कर दी है। गाइस क्या बात है, और आप देख रहे हो, तो आप भी आओ तो मेरा नाम ले सकते हो, तो टिकट फ्री हो जाएगी। हो गया मेरा। चलो वर्ल्ड टूरिज्म डे है इसलिए फ्री है आज। तो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई थी वो बनाई थी राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 953 जो है स्मॉल खिड़कियां हैं, और ये जो महल है गाइस, जो सवाई प्रताप सिंह थे वो खेतरी महल से इंस्पायर हुए थे, उसके बाद उन्होंने ये बनाया। छोटी छोटी खिड़कियां हैं यहाँ पे 953। मैं गर्मी लगेगी इसलिए मैंने खिड़कियां बनवा दी यहाँ पे। इसलिए बनाई गई थी ताकि पूरा शहर दिखे यहाँ पे, भारत है ना यहाँ पे। स्कूल ट्रिप आया हुआ है ना इस वजह से। अब पला करे ऊपर चल गए, बहुत रश है गई थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। देखो यहाँ से शहर दिखता है पूरा। ओए होए 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 होए, कितने आ गए ओए भाई, इतने पतले पतले रास्ते, वहां जाना है हमें इसके बाद। ये वही किले हैं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में बनवाए थे 2000 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल है ना ब्रदर, देखो ब्रदर ने पहचान लिया, 2000 साल पहले मेरा दोस्त था ये है ना, बिल्कुल भाई देखा, बेस्ट फ्रेंड था मेरा ये 2000 साल पहले, मेरा पुनर्जन्म हुआ फिर। छोटा तो अभी हम लोगों ने सिटी पैलेस की टिकट्स ली हैं, तो चलते अंदर देखते हैं क्या सीन है अंदर इसका। चलो यार, इसकी दीदी की तो हालत खराब हो गई है पूरी की पूरी, इन दोनों की वो पता लग गया, सेलिब्रिटी बंदे आए हैं तो ये हमारा फोटो शूट कर रहे हैं। बढ़िया हारो हमारे देश, ऐसे बोलते हैं भैया। तो गाइस अंदर से देख के आए हैं हम लोग म्यूजियम, एंड काफी पुरानी पोशाकें, जूते, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब मजा आया। और भाई उनकी बॉडीज, मतलब उनके जो शरीर होते थे पहले के लोगों के, लाइक
7 फुट ऊंचे थे और 4 फुट चौड़े थे, मतलब इतने विशाल, मतलब क्या बात है। तो यहाँ पे है दीवाने खास और ये थोड़ा बहुत इधर का माहौल है, एंड ये है सभा निवास। तो इसके अंदर चलते हैं और ये तोपे वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे भाई। अंदर थोड़ी वीडियो और फोटो अलाउड नहीं है तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रहा, जहाँ पे अलाउड है वहीं पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस हम लोग जो है वापस जा रहे हैं होटल, बिकॉज निधि और गुंजन दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ये कह रहे हैं हमसे अब चला नहीं जा रहा, तो प्लीज़ हम लोगों को जो है वापस ले चलो। तो जा रहे हैं भाई, लेकिन हम लोगों ने यार एक दो जगह और जाना था, चलो कोई बात नहीं कल घूम लेंगे, यहीं है वो आराम से बैठी हुई उधर। तो अभी हम लोगों ने रिक्शा करा है क्योंकि इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी गाड़ी तक जाने की, किलोमीटर भी नहीं था वैसे। तो अभी हम लोगों ने गोलगप्पे यहाँ पे खाया, गोलगप्पे बहुत स्वाद थे, पहले हम लोगों ने खाया अब जतिन खा रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे देखने को सब कुछ सही है बट वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, चलना बहुत पड़ता है, और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है बट गर्मी में चलना बहुत मुश्किल है, बाकी ओवरऑल सही है। तो अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे जब बाहर गए थे, बट हम कल ना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ सिटी पैलेस गए और हवा महल गए और लोकल मार्केट की एक दो दुकानें गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी हम लोग इस होटल को, इस कमरे को कर रहे हैं बाय बाय, और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगरा के लिए, लेकिन रास्ते में हम थोड़ा सा बाज़ार घूम लेंगे, बिकॉज यार जयपुर आए हैं, थोड़ा बाज़ार वजूर तो घूमें, एक दो चीज़ें ले लेंगे यादगिरी के लिए। आप लोगों को मैंने बाहर का व्यू नहीं दिखाया था, और सामने ये देख सकते हो आप लोग, मतलब कि यहाँ पे टेनिस है, बैडमिंटन का है, इधर क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही थी कल, एकेडमीज हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यहाँ का, मज़ा आ गया। जयपुर वैसे हमने पूरी मस्ती करी है, चाहे हमने कम जगह घूमी है लेकिन बढ़िया रहा हमारा टाइम। तो अभी आगरा चलते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आगरा जा रहा हूँ और वो भी ताजमहल देखने के लिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच बताऊँ तो। गर्मी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हम मार्केट में क्या घूमते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि लेना हमने है, हम सोच रहे हैं कि घर वालों के लिए, सबके लिए कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके जाए हर जगह से एक एक चीज़। तो अभी चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। चलो जी बाय बाय। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपनी कार पार्क करेंगे, यहाँ पे हम कार पार्क कर रहे हैं, और पार्किंग का यहाँ पे आपको 30 रुपीज पे करना पड़ेगा, रोड के बिल्कुल साथ लगेगी। तो अभी हम लोग आए थे जोरी बाजार, और यहाँ पे जो कोई ब्रांडिंग नहीं मिलेगी आपको दुकानों के बाहर, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो है नाम लिखे हुए मिलेंगे, और यहाँ पे आपको राजस्थानी टच के जो कपड़े वगैरह है, या बैग्स हो गए, झुमके हो गए, लड़कियों का ही ज्यादा है ना दुकान है। वो दुकान में, दुकान के अंदर भी चलेगी, हमें पता भी नहीं लगा भाई। भाई इतनी चप्पलें हैं तुम्हारे पास घर के पास, आपके लिए देख रही हूँ मैं। अच्छा फिर जो मर्जी लो यार, फिर कोई चक्कर नहीं। भैया ब्लैक कलर में है कोल्हापुरी, ये देखना, ये भी लेडीज है, ये जेंट्स है, ये दो वाले पेयर देख ले, अच्छी है, 1850 लुधियाना से लेना यार तुम लोग, क्या है। और ये कितने की है, ये 450 की है, ये देखना जो मेरे पास कोल्हापुरी है ना वो देखना, उसकी क्वालिटी देखना, फर्क है क्वालिटी में। तो मेरे को ये एक चप्पल पसंद आई है, निधि ने ये पसंद करी है मेरे लिए, लड़कियों वाले पैर लग रहे हैं मेरे ये पहन के, पता नहीं। तो ये बार्गेनिंग करके 300 रुपए के कह रहे हैं यार, पर मेरे को ये फिलहाल ये महंगी लग रही है क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो, नॉर्मल चप्पल के ऊपर वो करी हुई है, लेदर भी कुछ खास नहीं है। तो निधि को ये वाली पसंद आई है, एंड मनीषा के लिए कौन सी ले रहे हैं, निधि और मनीषा दोनों अपने लिए सेम सेम चप्पल ले रहे हैं। तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली, ये भी ट्राई करी थी पर इसकी ग्रेस नहीं आई इतनी ज़्यादा। ये मेरी है। अच्छा ये तेरी है, इसकी ग्रेस भी अच्छी है, लग ब्रांड न्यू रही है, ब्रांड न्यू, हाँ न्यू ही लग रही है, मैंने एक दो बार कलोल होगी गाइस। नहीं यार ये पर प्रीटी लग रही है, इसके सामने ना वो फीकी पड़ रही है सीधी सी बात, मम्मी के लिए भी ले ले, मम्मी के लिए, हाँ एक्चुअली मम्मी के ना कुछ और ले लो ना, मम्मी के लिए कुछ और लेते हैं, क्या लेना है मम्मी के लिए, मम्मी के लिए क्या लेना है। तो अभी यहाँ पे निधि देख रही थी झुमके वगैरह, तो एक ये
और एक ये निधि जी ने पसंद करे हैं। तो ये डन है निधि, अभी कहाँ गई, कहाँ चले गए? यार मैं बाथरूम पानी की बोतल भरवा लेने से एक दुकान से निकलती है और दूसरी में पड़ जाती है भाई। ये पक्की डन है। तो अभी मम्मी के लिए देख रहे थे हम लोग साड़ी, और ये साड़ी पसंद आई है, एक बहुत अच्छी है यार, मेरे को तो ये ज्यादा बेटर लग रही है, ब्राउन कलर है ना, अच्छा लगा कलर। हाँ करेगा ये वाला ना, मेरे मम्मा पे ऐसी कलर बढ़िया लगता है। हाँ ये भी कलर अच्छा है, वैसे थोड़ा राजस्थानी टच प्रॉपर है ना। मेरे मम्मी ना मतलब रेड वगैरह ऐसा कलर नहीं पहनते, तो इसलिए हम लोग ब्राउन या ये ग्रीन ऐसा देख रहे हैं। तो एक ये साड़ी है यार, मेरे को तो ये ब्राउन वाली देखती है, पहली नजर में पसंद आ गई। भैया प्राइस बताओ कितना लगाओगे, सही सही बताना। दो लेनी लेनी है गुंजन, दो साड़ियाँ लेनी है, प्राइस बिल्कुल सही। दो कल्पी देखो आप, ये ब्लाउज आएगा, ये पल्लू आएगा सीधा, ये ऑल ओवर साड़ी जाएगी, पिको डिजाइन के अंदर, इसमें कलर मिल जाएंगे आपको। हाँ, वो तो ठीक है, पर मम्मा पहनेंगे। तो ये साड़ी 1550 की बता रहे हैं भैया। भैया बता दो प्राइस क्या लगाओगे सही सही। देखिए शादी नहीं आ रही किसी की, खुद का पूरा वक्त मसा निकला है, किसी और का क्या देखें। तो गाइस यहाँ पे छोटे बच्चों के, तो मैं सोच रही हूँ एक दिशान के लिए भी ले ले, क्योंकि उससे भी अच्छा लगेगा। हाँ इसमें से मैं सोच रही हूँ इसमें से कोई एक दिशान के लिए ले लेते हैं, या ये वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि इस पर जचेगा बहुत ही। कुर्ता पजामा अच्छा है भैया, सुनना, एक्सक्यूज मी भैया, ये कुर्ता पजामा निकालना, ये वाला, ये कितने साल के बच्चे का है भैया, ये बताना कितने साल के बच्चे के लिए होगा, ये उसको आएगा है ना, ये ना सेम ही रेट का है। कितने का? दो तीन है उसके बाद, और ये वो राजस्थानी टच वाला वो कुर्ता भी, पर उसके साथ पजामा नहीं है ना, पजामा नहीं है, देख लो लेना। ये तो मैंने घर पे, मनीषा ने घर पे ले लो, मैडम भैया गिफ्ट कर रहे हैं। यार मेरा एक साइड मन भी कर रहा है कि ये वाला ले लूं दिशान के लिए यार, क्योंकि इसमें वो बहुत क्यूट लगेगा। तो ये भी मैं निकाल के देखती हूँ एक बार, तो सोच रही हूँ ये वाला दिशान के लिए ले लेते हैं। यार यही ना ले ले, दिवाली पे पहन लेगा, धोती वाला है, रात को दिशान लेने का, ये भी अच्छा लगेगा वैसे। 300 इतना कम कैसे कर दिया? ठीक है 300 का सही है भैया, दो एक ये दो दो, ठीक है। और साड़ी लगाओ कितने की लगाओ? ये भी करना दीदी, साड़ी आपके लिए, ये मेरे को बहुत पसंद आया, वो दिवाली पे पहन लेगा इसको, अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगा, थोड़ा राजस्थानी टच है ना ये, इसमें कलर है और दिखाना। मम्मा के लिए गाइस हमने ये वाली साड़ी करी है डन, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद आई पहली नजर में, तो मम्मा को हम ये पहनाएंगे। ये भैया सेम नहीं है, देखो भैया आपका साइज का मिल जाएगा। अच्छा यार मेरे को पजामा चाहिए, पॉकेट्स वाला वाइट पजामा, दूसरा यहाँ नहीं मिलेगा आपको, हवा मिल। भैया सुनो, जो आपने वहाँ पे सेंटर में हाथी वाला प्रिंट लगाया है ना बीच में, वो वाली कुर्ती दे दो हमें। कुर्ता नहीं, जयपुरी शर्ट है वो, शर्ट उसके साथ प्लाजो दे दो ना, ऐसे दे दो फेयर बना के, ऐसा नहीं आता। ये भी अच्छी है वैसे शर्ट, पर ये बहुत लंबी है, इसमें छोटा लेना पड़ेगा। हाँ डायपर डाल के ये डाल देंगे। सही बात है, बेल्ट लगा देना गर्ल्स, बड़ा क्यूट लग रहा है यार ये, और क्यूट लगेगा इसमें। तो हमने दिशान के लिए पहले वो सिलेक्ट करा था ना, उससे ज्यादा ये कलर खिल रहा है, तो ये वाला ले रहे हैं। तो भाई शॉपिंग वगैरह तो कर ली है मम्मी के, पी पी पी। तो मम्मी के लिए साड़ी, निधि ने लिए झुमके और चप्पल, मनीषा के लिए भी चप्पल, और दिशान के लिए धोती कुर्ता। और अभी हम लोग प्यास लग रही थी तो नींबू पानी पी रहे हैं यहाँ पे, और चलते सीधा अभी आगरा के लिए निकलते हैं। बिकॉज यार हम लोगों को ये है कि रात होने से पहले पहले हम लोग पहुँच जाएँ, मेरे ख्याल से 4-4.5 घंटे का रास्ता है। तो भाई शिकंजी पी रहे हैं, इतना मैं कह रहा हूँ बढ़िया है ना, मज़ा आ गया यार, मेरे को बहुत पसंद है। जोरी बता रहा हूँ तो यार जरूर ट्राई करना, कसम से रिकमेंडेड है।